जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा किस तरह से आप अपनी रनिंग को एक्सीलेंट में कर सकते हैं। तो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कि आपको एक माइंड में एक बात को ध्यान में रखते हुए जाना पड़ेगा कि ये भर्ती आपकी लास्ट भर्ती है, क्योंकि 3 साल के बाद इतनी बड़ी मुश्किल से ये भर्ती आई है और जिन बच्चों की एक्सीलेंट में होगी या क्लियर होगी कैसे भी करके, वो अपना पेपर की तरफ ध्यान देंगे, अपने फ्यूचर की तरफ। लेकिन जिन बच्चों की नहीं हो पाई, वो उन्होंने ये समझ ले कि अपना 3 साल बर्बाद कर दिए हैं, वो अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे और अपने यार दोस्तों में अगर उससे बार बार कोई पूछेगा कि भर्ती का क्या रहा, तो उनको एक शर्मिंदगी महसूस होगी इस बात की। तो इस ये चीज़ सोचकर चलेगी कि हमने अपनी बेस्ट देना है। वैसे भी जिन्होंने मेहनत कर रखी है वही अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा पाएगा वहाँ पर। तो आज आपको मोटा मोटा बता दूंगा किस तरह से आपको रनिंग में दौड़ना होगा वहाँ पर। कि सबसे पहले बात ध्यान में रखें, आपका एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आपको कोशिश करने की आगे की तरफ लगें, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ पर आप आगे की तरफ लगने की कोशिश करें ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें और अपना एक्सीलेंट में आसानी से आ सकते। तो जब आपका अगर बीच में नंबर आ जाता है या पीछे नंबर आ जाता है ग्रुप में, तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है, आपने ऊपर की तरफ रहना अपने आप को, ठीक है ना। तो अपना ऊपर की तरफ रहने का क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि जब भी स्टार्टिंग होती है यानी रनिंग की, तो उसमें क्या करते हैं सभी बच्चे पहली लाइन की तरफ दौड़ते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर की जो भीड़ है वो पहली लाइन की तरफ जाती है सबसे पहले, नीचे वाली तो सेम रहती है। तो अगर आप ऊपर होंगे तो आपके सामने जल्दी रास्ता साफ हो जाएगा और अपना एफर्ट लगा सकते हैं और अपना 50 या 60 मीटर तक अपना बढ़िया पेस के साथ दौड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपने स्टार्टिंग में अगर 50 या 60 मीटर की अच्छी स्प्रिंट लगा ली, तो उसके बाद आपने मेंटेन करने हैं और 10 से 12 बच्चों के बीच में रहना है, उनके पीछे एक ग्रुप पकड़कर चलें, ताकि आपको अपनी एनर्जी को बचा सकें। और अपना पहला राउंड अगर मान लो, अगर उन 12 बच्चों में जो पहले नंबर पर बच्चा होगा वो 1 3 का 1 5 का लगा सकता है, बस इससे नीचे नहीं, ठीक है ना। तो आपका अगर मान लो 10वां या 12वां नंबर के बाद है, यानी कि आपने वहाँ पर 1 10 या 1 12 का राउंड लगाया, तो वहाँ पर आपने फर्स्ट राउंड की एनर्जी बचाई है उनकी पावर के ऊपर, ठीक है ना। तो फर्स्ट राउंड ऐसे जाएगा आपका, और कोशिश करना कि फर्स्ट लाइन पर ही दौड़ें, आपके सामने मतलब कि गैप नहीं होना चाहिए और अपना सारा फोकस जो आगे दौड़ रहे हैं बच्चे उनके ऊपर होना चाहिए, और आपकी हाथों की मूवमेंट बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। जब भी आपको कोई बच्चा कवर करना है तो हमेशा स्ट्रेट पर ही करें, कर्व पर अगर उसको कवर करेंगे तो आपका क्या होगा, बॉडी ज़्यादा टाइट होगी, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो हमेशा ध्यान में रखें, अपना 12 बच्चों का ग्रुप पकड़ कर चलें या 10 का, तो उन्हीं बच्चों के साथ अपना बढ़िया तरीके फिनिशिंग भी होगी आपकी, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में अपनी पावर बचा रखी है। और अगर आपकी सांस यानी कि तीसरे राउंड में आपकी सांस ऊपर नीचे होगी, हर एक का मन में यही आता है कि रुक जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपका जो थर्ड राउंड होता है थोड़ा, जिसमें हर एक बच्चे के मन में आता है, जिसकी तैयारी भी हो उसके मन में भी आता है कि रुकने का मन आता है, भाई रुक जाएं। तो आपने ये चीज़ सोच के अपना फोर्थ राउंड की तरफ दौड़ना है, और काफ़ी बच्चे आपको कवर भी करेंगे, काफ़ी पीछे भी आएंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। आपका पूरा ध्यान अपने ट्रैक पे होना चाहिए। जब आपका फोर्थ राउंड अपना स्टार्ट हो जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपनी स्पीड को इनक्रीज़ करते रहना है, कि यह नहीं कि अपना 200 मीटर में पूरा एफर्ट लगाने लग रहे हो आप। तो आपने वहीं से अपना फोर्थ राउंड स्टार्ट होना, वहीं से अपना पावर को जो आपने बचा रखी थी फर्स्ट राउंड में, वहाँ से अपने लगाना स्टार्ट कर देनी है, और धीरे धीरे अपना एक बच्चों को कवर करते रहना है। जब आपकी फिनिशिंग यानी कि 200 मीटर रह जाए, तो वहाँ पर अपने हाथों की मूवमेंट का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, और जब फिनिशिंग करें तो अपना 100% लगा दीजिए, क्योंकि आपने रनिंग को अगर एक्सीलेंट में निकाला तो उसके नंबर आपको मिलेंगे और 100 नंबर की आपकी फ़िजिकल मानी जाएगी, जिसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम के टाइम मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप अगर मान लो आपने 88 नंबर की जो फिजिकल कर रखी है, और एग्ज़ाम में आपने अच्छे से ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे, जो मतलब कि आर्मी वाले बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक फिजिकल वर्क करने के लिए तो काफ़ी आसान माना जाता है आर्मी वाले बच्चे जो कर लेते हैं, लेकिन उसमें अगर आप एक्सीलेंट में करते हैं तभी जाकर बात बनेगी। तो आपको एग्ज़ाम में कम जोर लगाना पड़ेगा उस टाइम पर। तो ये चीज़ अपना थोड़ा पॉजिटिव लेकर चलें कि अपना 100% एफर्ट के साथ, अपने फिनिशिंग के साथ एक्सीलेंट में आएँ, और
यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। बाकी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि भर्ती से 2-3 दिन पहले अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर रखें और अपना अच्छे से एक्सीलेंट में आने के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मूड में भागे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे आज या कल या परसों को। तो इस वीडियो का अपना इंतज़ार रखना कि उसमें बहुत सी ऐसी ऐसी जानकारी बताई जाएंगी जो आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए और मतलब कि हार्मफुल नहीं होगी वो चीज़ें, और आपको एक अच्छी एक्सेलेंट की रेस आपको भगाएंगी और अपना जो आपका स्पीड वर्क चला हुआ है उसका लोड आपके ऊपर बॉडी पर पड़ा हुआ है उसको कम करेंगी, तो आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मूड में दौड़ेगी उस टाइम पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, आपको कि कैसा लगा आप ये सब जानकारी पाकर, तो इस वीडियो को अपना लाइक करें। धन्यवाद।